यह स्वाभाविक है। इस देश में यदि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें जीतनी है तो इस देश के एक एक अल्पसंख्यक के समर्थन की जरूरत है। अल्पसंख्यक समाज को बिहार या देश में सबने सिर्फ डराने का काम किया और ये उसी तरह है जिस तरह लालू जी ने 15 साल में कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन आज भी यदि चाय के दुकान पर आप चले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि आरक्षण बचाने वाला लालू प्रसाद है, लेकिन कभी किसी को आरक्षण दिया नहीं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। जेडीयू और आरजेडी ने मैराथन बैठक की और इसलिए ये बैठक हुई क्योंकि तैयारी जो है वो 2024 को लेकर करनी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी जो है वो तैयारी जो है वो 2024 के मद्देनजर कर रही है। बिहार बीजेपी की बात करें तो आज सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आता है। उन्होंने साफ किया, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को देश भर में 400 सीटें जीतनी है तो माइनॉरिटी को अपने खेमे में करना होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने माइनॉरिटी को ठगा है और विस्तार से बताया है कि किस तरीके से दिल्ली की सरकार है यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने माइनॉरिटी का ख्याल रखा है, सबका ख्याल रखा है, सबका साथ दिया है। अब पैसे जो हैं वो सीधे अकाउंट में आते हैं, अब अनाज जो है वो सीधे पहुँचता है जिनको ज़रूरत होती है। अगर पूर्णिया में एयरपोर्ट बनता है तो उसका फ़ायदा सिर्फ हिंदुओं को नहीं होगा, माइनॉरिटी को भी होगा। इसके अलावा भी सम्राट चौधरी बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पूरा बयान आप सुनिए। यह स्वाभाविक है, इस देश में यदि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें जीतनी है तो इस देश के एक एक अल्पसंख्यक के समर्थन की जरूरत है। और साथियों, अभी तक तो सिर्फ आपको वोट बैंक के तरह यूज किया गया। अल्पसंख्यक समाज को बिहार या देश में सबने सिर्फ डराने का काम किया और ये उसी तरह है जिस तरह लालू जी ने 15 साल में कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया। 1990 से 2005 तक लालू जी की सरकार रही साथियों, लेकिन आज भी यदि चाय के दुकान पर आप चले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि आरक्षण बचाने वाला लालू प्रसाद है, लेकिन कभी किसी को आरक्षण दिया नहीं। एक वर्ग बता दीजिएगा, और आज भी मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी को पिछले चुनाव में आपने वोट दिया कि नहीं दिया, लेकिन जब 2019 के पहले चुनाव के पहले इस देश के प्रधानमंत्री जी को 14 में मौका मिल गया इस देश के लोगों ने, तो अल्पसंख्यक समाज में जो मुस्लिम समाज है इनको भी स्वर्णों के साथ आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। और लोगों को डराया जाता है। मैं शाहनवाज जी हमारे मित्र हैं, साथी हैं, कई जगह भाषणों में हम साथ में काम करते रहे। दुनिया के किसी देश को आप देख लीजिए, भारत से अच्छा दुनिया में कोई जहां नहीं हो सकता, और भारत में मुसलमान जितना सुरक्षित हो सकता है दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, हमारे ही साथ आज़ादी मिली, हमसे चंद घंटे पहले पाकिस्तान को आज़ादी मिली, बांग्लादेश को आज़ादी मिली, 1905 में अफगानिस्तान आज़ाद हुआ, आज क्या स्थिति, जीडीपी कहाँ है? हमारे यहाँ 100 रुपया पेट्रोल है और 100 रुपया पेट्रोल में भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 100 रुपया पेट्रोल के दाम में 42 रुपया सिर्फ राज्य सरकार मतलब नीतीश कुमार की सरकार लेती है टैक्स, भारत सरकार मात्र 27 रुपया टैक्स लेती है, और तो भी हिंदुस्तान में 100 रुपया में पेट्रोल मिलता है और पाकिस्तान में 350 रुपया में पेट्रोल मिलता है। यही है फर्क। हम दुनिया के इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं, दुनिया को ठीक करने का काम किया जा रहा है। और आज आप अमेरिका गए होंगे, कई साथी अमेरिका में जब आप जाते हैं
तो आपसे लोग पूछता है कि आप कोरोना का टीका का चर्चा अभी शाहनवाज जी ने किया तो हम डिजिटल दिखाते हैं और अमेरिका के लोग कागज से पॉकेट से कागज निकाल के दिखाते हैं। ये है भारत का बदलाव। भारत में कानून बदलते रहे, इसमें कहीं तो मत नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट भी 1955 में आया साथियों। हमारे यहाँ भी बहुविवाह का कंसेप्ट था, हमारे यहाँ भी कई शादियाँ होती, हमारे यहाँ भी कोई जब तलाक होता था कोई व्यवस्था नहीं था महिलाओं के लिए। हमारे यहाँ तो इससे भी खराब था, सती प्रथा था। लोग हमारी बहनें जब विधवा होती थी तो जिन मतलब आग में जिस पति जहाँ उनकी मृत्यु का दाह संस्कार होता था उसमें आग में कूदना पड़ता था। हम सारी कुरीतियों को समाप्त करें, हमारे समाज के भी लोगों ने ये काम किया। धीरे धीरे कानून प्रथा बदलते गए और देश में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 1986-87 में, तब भी उस समय की सरकार ने तुष्टीकरण के चक्कर में इस देश की बहनों के साथ अन्याय किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साफ तौर पर कहा ना तुष्टीकरण करेंगे, हम स्पष्ट तौर पर तिलपत तलाक का समर्थन करके इस देश में जो मुस्लिम बहनें हैं उसको न्याय दिलाने का काम। इसलिए एकदम मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से जरूर आग्रह करूंगा आप लोगों से,